हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेंसिडिटी क्या होती है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, तो रेंसिडिटी व्हेन सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल फूड, जब कोई फूड, कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या है, ऑयल है या फैट्स है। ऑयल तो आप जानते हैं तेल वगैरह या फैट है, अगर उसको आप लॉन्ग समय तक के लिए रख दें तो क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण वो ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है, टेस्ट भी बदल जाता है, कलर भी बदल जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम कई बार खाने का, कहीं हम बाहर जाते हैं और बाय चांस खाना फ्रिज के बाहर रखा हुआ छोड़ देते हैं, क्योंकि रेंसिडिटी जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हो पाते और रेंसिडिटी उतनी तेज़ी से नहीं होती है। तो अगर आप खाने को फ्रिज के बाहर रख जाते हैं, दो तीन दिन बाद देखते हैं तो उसमें एक स्मेल आने लगती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है। जैसे कि आप बटर को खुला हुआ कुछ समय के लिए रख देंगे तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, रेंसिडिटी। तो बेसिकली रेंसिडिटी किस गैस के कारण होता है, रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। तो अगर आप रेंसिडिटी को रोकना चाहते हैं तो आपको इस ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज्ड जो हो रहा है, ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, उसकी जगह आपको दूसरी गैस यूज़ करनी पड़ेगी। तो दूसरी गैस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। हमारे एटमोसफियर में नाइट्रोजन बहुत अच्छी क्वान्टिटी में है और वो एक लेस रिएक्टिव गैस है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए आप लोगों ने चिप्स वगैरह खरीदे होंगे, अंकल चिप्स वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर जो चिप्स होते हैं वो खराब नहीं होते, तीन तीन महीने, चार चार महीने तक खराब नहीं होते। जबकि खुले में आप अगर चिप्स रख देते हैं तो वो दो महीने भी क्या, 10-15 दिन में ही खराब हो जाते हैं। तो कारण ये है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो कि उन चिप्सों को रेंसिडिटी से बचाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है 10th क्लास में साइंस में, कि विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। सो आंसर इज नाइट्रोजन गैस। बेसिकली नाइट्रोजन गैस रेंसिडिटी को स्लो कर देती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके अलावा आप हमारे वीडियोस को www.ncrthelp.com पर भी देख सकते हैं, ncrthelp.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू।